एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल जीटी गुरुजी पर, जहाँ जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के सॉल्यूशंस आप सभी को मिलते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 97 के सॉल्यूशन को। चलिए तो जानते हैं क्या है इसमें। इसमें आप सबको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है, मिक्स्ड है उसी में। चलिए तो सबसे पहला आपका है, सीता सोमवार से काम नहीं कर रही है। सीता हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे। इसमें ध्यान रखेंगे हैव हैज के साथ बीन लगता है नॉर्मली, और उसके बाद वी फोर यानी आईएनजी लगता है। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ सिंस फोर का यूज़, सिंस का यूज़ जो होता है वो फिक्स्ड यानी पॉइंट ऑफ टाइम यानी फिक्स्ड चीज़ों के साथ लगता है। जैसे मंडे है तो ये फिक्स्ड है, क्योंकि कल भी मंडे कहेंगे परसों भी मंडे। लेकिन यदि मैं कहूँगा कि टू डेज से, तो फिर कल कहूँगा थ्री डेज से, परसों कहूँगा फोर डेज से। तो जो चेंजिएबल है टू डेज तो उसमें फोर लगेगा, जो फिक्स्ड है उसमें सिंस लगेगा। चलिए, तुम 10 बजे से नहीं पढ़ रहे हो। यू हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। ये भी फिक्स्ड है, इसलिए सिंस 10 o'clock। एक बात और, कहीं कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है नॉट लगाने में, तो हमारे यहाँ का पीके मंत्रा है। पीके मंत्रा बोलता हूँ मैं अपने कोचिंग में, मेरे कोचिंग और दूसरे चैनल का नाम है, जो पुराना मेरा चैनल है पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस। तो पीके मंत्रा वहाँ मैं बताता हूँ जहाँ कन्फ्यूज़न हो, वो रूल को ईजी करने के लिए। बहुत बार कन्फ्यूज़न होती है, शैल के बाद लगाए, विल के बाद लगाए, हैव के बाद, कुछ नहीं। जो पहला आपका हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में हो, जैसे यहाँ पर हैव है, उसके बाद नॉट लग जाएगा। बस यही फंडा है, नॉट का हमेशा यही फंडा है। चलिए, मैं 2005 ईस्वी से यहाँ नहीं रह रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन लिविंग हीयर सिंस 2005। यहाँ दो बातें ध्यान रखने वाली है। हिंदी में आपने देखा ई लिखा हुआ, ई माने ईस्वी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ए डी, है ना। इसको शॉर्ट में जैसे यहाँ ई लिखा हुआ है वैसे ए डी कहते हैं। इसका जैसे ई का फुल फॉर्म हुआ ईस्वी, वैसे इसका एनो डोमनी होता है। लेकिन ये बात है कि हिंदी में जैसे आप देखते होंगे कि कुछ चीज़ों हिंदी में और कुछ चीज़ इंग्लिश में चेंज है। क्या हिंदी में आपको याद होगा कहते हैं कि वह लड़का है, यह भी सही है, और वह एक लड़का है, यह भी सही है। एक लगाए तो भी सही, नहीं लगाए तो भी सही। लेकिन इंग्लिश में होता है कि ही इज़ ए बॉय, उसमें ए लगाना ही लगाना रहेगा। इसी प्रकार से तो यहाँ इंग्लिश और हिंदी में एक और रूल इसी प्रकार से कि ईस्वी आपको हिंदी में लगाना, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, बट इंग्लिश में बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है अपने आप। हाँ, ईसा पूर्व जो होता है, बीसी जो होता है, बिफोर क्राइस्ट जो होता है, उसमें वो लगाया जाता है हिंदी में भी इंग्लिश में भी। बट इसमें 2005 ईस्वी मतलब ईस्वी, इसमें जो या सन लगा रहता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 वर्षों से नहीं पढ़ा रहे हैं। अगला है इसका जगह, यू हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 4, यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया है, 4 ईयर्स होगा। मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक जो है आर्स हो गया है यानी घंटा हो गया, यहाँ पर हो जाएगा ईयर्स, है ना, वाई ई ए आर एस। क्या आप सब इसका उच्चारण जानते हैं? ये होता है ईयर्स, ईयर्स, ईयर नहीं ईयर, य और अ, है ना, ईयर होता है उसी का प्लूरल है, तो ईयर्स हो जाएगा। इसीलिए कई बार आपको ए एन लगाने में कन्फ्यूजन होता है, ए ईयर की एन ईयर, तो आपको देखने में तो लगता है पढ़े होंगे तो ए ईयर ही हर जगह देखे होंगे, लेकिन लगता है नहीं यार ईयर है तो एन लगना चाहिए। नहीं नहीं, क्योंकि इसका उच्चारण य और र, है ना, ईयर होता है, यही प्लूरल है, तो आपको ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, तो ईयर्स हो जाएगा, यहाँ पर ये मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है वह क्या वह 2 घंटों से सो रहा है, है ना, तो हैज़ ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वे लोग सुबह से व्यायाम कर रहे हैं, हैव दे बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, है ना। मॉर्निंग भी पार्ट ऑफ डे जो रहेगा उसमें भी सिंस ही लगता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, ये सब में सिंस, या आपका जो लाइफ का जो हमारा पीरियड है उसमें भी ऐसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस यूथ, ये सब उसमें सिंस ही लगेगा। क्या तुम 9 बजे से खेल रहे हो, हैव यू बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock। क्या मैं वर्षों से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ईयर्स, है ना। पहला तो वेटिंग के साथ फॉर लगा, और दूसरा तो सिंस फॉर वाला फॉर ईयर्स हो गया। क्या वह सुबह से नहीं गा रही है, हैज़ शी नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। क्या आप 2005 ईस्वी से यह काम नहीं कर रहे हैं, हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2005। क्या वे लोग देश की सेवा अपने विद्यार्थी जीवन से नहीं कर रहे हैं, हैव दे नॉट बीन सर्विंग दी कंट्री सिंस दियर
स्टूडेंट लाइफ है ना, विद्यार्थी जीवन का स्टूडेंट लाइफ आ जाएगा और डियर यहाँ पर लगेगा है ना, अपने अपने जीवन विद्यार्थी जीवन, इसलिए डियर स्टूडेंट। मैं अपने जीवन विद्यार्थी जीवन से, तो माई स्टूडेंट लाइफ, तुम अपने विद्यार्थी जीवन से, तो योर स्टूडेंट लाइफ लगेगा, इसी प्रकार उनका है तो डियर लगेगा। इस प्रकार से यहाँ समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, हमारा वीडियो कैसा लगा इस पर भी कमेंट करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें जिससे कि हमारा उत्साह वर्धन होता रहे और हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। वन बाय वन सब वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ। चैनल पे आप नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे इसी प्रकार के वीडियोज़ हमारे चैनल पर सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।